Now coming to the next question, which is question number 25. If these circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lies on the third side. So, यहाँ पे हमें दो circles बताए हैं, उनको कैसे बनाया जा रहा है? Taking two sides of a triangle. ये जो figure है, ये आपको दी नहीं होगी, ये आपको खुद बनानी है. So, एक triangle है, और उस triangle की ये जो दो sides है, इनको डायमीटर लेके एक सर्कल बनाए गए हैं. जैसे यहाँ पे AC को डायमीटर लेके ये सर्कल बनाया है एंड AB को डायमीटर लेके ये सर्कल बनाया. लेट्स कॉल इट सर्कल वन एंड लेट्स कॉल इट सर्कल टू. अब आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट ये जो सर्कल्स का इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक तो इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे. तो आपको प्रूव करना है कि जो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट लाइज ऑन दी थर्ड साइड. यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है, वहां पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है एक, राइट? सो हमें बस यही प्रूव करना है. कैसे करेंगे? लेट्स सी. द फर्स्ट स्टेप इन दिस इज वी विल जॉइन ए एंड डी. ओके, सो नाउ अगर मैं यहाँ पे सर्कल वन की बात करूं, इफ यू टॉक अबाउट सर्कल वन, तो आप देखोगे यहाँ पे जो सर्कल है और अब ये जो ट्रायंगल बना है ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी. अब ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा. रीजन क्या है? रीजन ये होगा कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी ट्रायंगल फॉर्म होता है वो हमेशा राइट एंगल होते. तो आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे दैट एंगल्स इन सेमी सर्कल आर ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल. सो देयरफॉर यहां से हम कह सकते हैं सर्कल वन में ए डी बी, मतलब ये आपका 90 डिग्री है. सो ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. जहां पे आप ये लिखोगे 90 डिग्री है, वहां पे आप मेंशन भी करोगे एंगल इन सेमी सर्कल is right angle. Okay, now next हम बात करते हैं circle two की. अब circle two के अंदर आपके पास triangle जो है वो है A B C. Again ये भी इस circle के semi circle में बन रहा है. So therefore यहां पे भी हो जाएगा कि ये जो angle आपका A D C है, means this angle ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री. रीजन अगेन सेम रहेगा. तो आप दोबारा से इसको मेंशन करोगे एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, देयरफॉर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. अब यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई. लेट्स एड देम. सो एडिंग वन एंड टू, अब दोनों को अगर हम एड करेंगे तो हमारे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल ए डी B plus angle A D C equals to 90 degree plus 90 degree. So 90 plus 90 is 180 degree. And अब अगर यहाँ पे as it is रहेगा angle A D B plus angle A D C. So यहाँ पे अगर दो angles का sum 180 degree आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? This means they are forming forming a linear pair. अगर दो angles का sum आपके पास 180 degree है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो दो angles है ये they are lying on the straight line, right? So हमने यहां पे प्रूव कर दिया since ये दोनों एक linear pair बना रहे हैं, means ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, और अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करे सो हेंस वी कैन प्रूव कि ये उसकी थर्ड साइड पे लाई करे. ओके, सो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 25. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.